गुड इवनिंग गाइज। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी, और हम लोग साइकोलॉजी जो पिछले क्लास में, हम लोग पिछले सेशन में साइकोलॉजी का मीन्स साइकोलॉजी का जो मानव विज्ञान, शिक्षा मानव विज्ञान का ब्रांच हम लोग पढ़े थे, साइकोलॉजी का जो मानव विज्ञान का जो ब्रांच पढ़े थे उसमें से 14 ब्रांच था। मानव विज्ञान का, शिक्षा मानव विज्ञान का ब्रांच 14 था, और 14 था उसमें से शिक्षा मानव विज्ञान हम लोग पढ़ना था। और आज हम लोग शिक्षा मानव विज्ञान को डिस्कस करेंगे, और वो जैसे ब्रांच में सामान्य मानव विज्ञान, असामान्य मानव विज्ञान, तुलनात्मक मानव विज्ञान, प्रयोगात्मक मानव विज्ञान, सामाजिक मानव विज्ञान, सामाजिक या समाज मानव विज्ञान, प्रौढ़ मानव विज्ञान, किशोरा मानव विज्ञान, ये सारे सभी में उनमें से एक जो था शिक्षा मानव विज्ञान, जिसमें हम लोग का पढ़ना है, और यही चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो शिक्षा मानव विज्ञान में हम लोग, शिक्षा मानव विज्ञान में हम लोग उत्पत्ति देख लिए थे, उसका स्पष्ट मीन्स स्पष्ट रूप से उत्पत्ति देख लिए थे कि किनके प्रयास से हुआ था, जो थॉर्नडाइक, टर्मन, जड़, इन्होंने जो इनके प्रयास से, इन सब के प्रयास से जो स्पष्ट रूप से में किया गया, सबसे प्रथम जो था शिक्षा मानव विज्ञानी वैज्ञानिक जो थे वो थे थर्मोडाइक थे। इस तरह से हम लोग सीख चुके थे। आज हम बात करेंगे शिक्षा मानव विज्ञान, और शिक्षा मानव विज्ञान में आज डिस्कस करेंगे शिक्षा और विज्ञान, मानव विज्ञान, शिक्षा मानव विज्ञान। शिक्षा अलग है और मानव विज्ञान अलग है। मानव विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव को मीन्स मन को स्टडी करते हैं, मन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ से एक शब्द निकलता है मानव विज्ञान मीन्स विज्ञान, जो विज्ञान है इस विज्ञान को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो विज्ञान, यहाँ बात करेंगे कि मानव विज्ञान मीन्स विज्ञान, जो मन का जो विज्ञान है वो दो रूप में है। क्या है उसका? हम लोग एक भावात्मक मानव मीन्स भावात्मक है। क्या है? भावात्मक, और दूसरा है आपका नियामक, नियामक। भावात्मक जो होता है, भावात्मक जो है, हम लोग इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव सेंस में करते हैं यूज। क्या करते हैं? पॉजिटिव सेंस में हम लोग इसको यूज करते हैं। और पॉजिटिव सेंस में इसका तात्पर्य है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य क्या है कि यह शब्द है वो शब्द पर जोर देता है। किस पर? शब्द पर जोर देता है, जोर देता है। जैसा है वैसा ही वर्णन करता है। ये क्या है? ये शब्द, ये शब्द पर जोर देता है जैसे, शब्द पर जोर देता है जैसे 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 मतलब जैसा है, सॉरी, अर्थात अर्थात क्या है कि अर्थात जैसा है वैसा ही वह वैसे ही वैसे ही वर्णन करता है। क्या करता है? वर्णन करता है। जैसा है वैसा ही वर्णन करता है। लेकिन नियामक क्या कहता है? नियामक जो कहता है
कि नियामक का जो तात्पर्य है, नियामक मतलब रूल, रूल रूल रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन, रूल और रेगुलेशन है। ये नियामक कहता है कि इसका तात्पर्य है, ये जो है ये पॉजिटिव पॉजिटिव सेंस था, लेकिन ये रूल्स मीन्स इसका रूल्स है ना, रूल्स रेगुलेशन बतलाता है। और इसका तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है कि ये चाहिए पर दो जोर देता है, ये चाहिए पर जोर देता है, किस पर, चाहिए पर जोर देता है, ये चाहिए शब्द पर जोर देता है। ये इसका तात्पर्य क्या है कि ये चाहिए चाहिए ये चाहिए शब्द पर जोर देता है, ये शब्द पर जोर देता है, ये शब्द पर जोर देता है। कितना तक आप समझ ही गए होंगे। अब शिक्षा को डिस्कस करेंगे। अब शिक्षा जो है, शिक्षा जो है, हम लोग शिक्षा को बोलेंगे तो शिक्षा शब्द, एक शिक्षा जो है मतलब शिक्षा जो है, ये शिक्षा क्या है, ये शिक्षा जो शिक्षा, और एक है एजुकेशन, क्या है एजुकेशन, एजुकेशन एजुकेशन। शिक्षा का जो उत्पत्ति, शिक्षा का उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु में अप्रत्यय जोड़ने से हुई है, जुड़ने मीन्स अप्रत्यय जुड़ने से हुई है। शिक्षा जो है, शिक्षा शब्द क्या है कि शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से अप्रत्यय जुड़ने से हुई है, जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब क्या है, जानना या सीखना, जानना या सीखना। तो ये इसका यहाँ बात करेंगे, इसका उत्पत्ति क्या बात करेंगे, यहाँ उत्पत्ति उत्पत्ति क्या है, इसका उत्पत्ति जो उत्पत्ति है, ये जो है संस्कृत 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 क्या है, संस्कृत के सिच धातु में अप्रत्यय क्या है, अप्रत्यय प्रत्यय अप्रत्यय जुड़ने से हुई है, जुड़ने अप्रत्यय जुड़ने से हुई है, अप्रत्यय जुड़ने से हुई है, जिसका 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 अर्थ या जिसका मतलब है, मतलब है, क्या मतलब है, जानना या सीखना, सीखना सीखना जानना या सीखना। प्यारे दोस्तों, कि शिक्षा जो है, शिक्षा का जो उत्पत्ति हुआ है संस्कृत के सिच धातु में अप्रत्यय जुड़ने से हुई है, जिसका मतलब है जानना या सीखना। अब यहाँ इंग्लिश के बात करेंगे, यहाँ यहाँ पे इंग्लिश का जो है
एजुकेशन के बात करेंगे दोस्तों, एजुकेशन जो वर्ड है ये लेटिन वर्ड से लिया गया। क्या? लेटिन, जो लेटिन शब्द से, ये लेटिन भाषा है। क्या है दोस्तों? ये लेटिन भाषा या लेटिन का शब्द है और ये प्राचीन रोम की भाषा है। क्या है? ये प्राचीन प्राचीन रोम की भाषा है, रोम की भाषा है। ठीक है दोस्तों। और ये इटली की पुरानी भाषा है। किसका है? इटली, इटाली, इटली के पुरानी भाषा, पुरानी भाषा है। इतना तक समझ गए होंगे आप लोग। तो दोस्तों, यदि आपको लगता है अच्छा, तो कृपया एक लाइक करें, और न्यू व्यूअर है तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और बेल घंटी भी बजा दे, और वीडियो को यदि और आपका कोई फ्रेंड है तो उसको जगा दे, सोया हुआ है तो जगा दे कि टाइम हो गया है ना, और वीडियो को शेयर कर दे ताकि स्टार्ट है क्लास, ताकि वो भी सीख सके। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट में इसका जो पढ़ेंगे, जिसमें अब ये जो है, अब शिक्षा मानव विज्ञान का जो पूरे निष्कर्ष क्या निकलता है, तो वो निष्कर्ष समझते हैं कि जो है इसका निष्कर्ष क्या निकला। इसका जो निष्कर्ष निकलता है कि भावात्मक और नियात्मक, क्या है? भावात्मक दिखता होगा, भावात्मक प्लस प्लस नियामक, ये दोनों क्या है? ये दोनों दोनों पक्ष, दो पक्ष था, एक भावात्मक पक्ष था और एक नियामक, दोनों पक्ष क्या है? दोनों पक्ष सम्मिलित होंगे, दोनों पक्ष सम्मिलित होंगे। तो दोस्तों, आप इसका पढ़ेंगे कि शिक्षा का तात्पर्य क्या है। शिक्षा का तात्पर्य हम लोग उत्पत्ति समझ गए, एजुकेशन इंग्लिश जो शब्द था, एजुकेशन लैटिन शब्द, लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, और ये प्राचीन रोम की भाषा है, इटली के पुरानी भाषा है। तो इतना तक हम लोग समझ गए। तो चलिए आप समझते हैं कि शिक्षा का जो तात्पर्य क्या है। शिक्षा का तात्पर्य क्या, वो समझते हैं। शिक्षा से हम लोग क्या समझते हैं, मतलब शिक्षा का तात्पर्य, शिक्षा का जो तात्पर्य क्या है। तो शिक्षा का तात्पर्य हम लोगों को क्या है? शिक्षा का तात्पर्य कि शिक्षा का तात्पर्य है कि जानना, जानना या सीखना। क्या है कि शिक्षा को सीखना या जानना, यह तात्पर्य। और शिक्षा को सीखना या जानना, इसका आप यहां समझेंगे कि जानना है, सीखना है तो किसके लिए सीखेंगे, सीखना है तो किसके लिए सीखेंगे, और क्या सीखना है, और किस मीन्स किस किससे सीखना है, क्या सीखना है, किससे सीखना है, क्या सीखना है, और किससे सीखना है, और किसके लिए सीखना। तो ये दोस्तों, ये चर्चा करेंगे, ये बात करेंगे। तो जब जानना या सीखना, ये दोस्तों, ये तीन खंड में मीन्स तो नेक्स्ट देखते हैं। मैंने बोला कि शिक्षा का तात्पर्य, शिक्षा का जो तात्पर्य क्या है, जानना, जानना या सीखना। शिक्षा से हम लोग सीखते हैं या जानते हैं किसी चीज को, जानना तो शिक्षा के माध्यम से, सीखना किसी चीज को भी, नए चीजों को सीखने के लिए हमको शिक्षा का जरूरत होता है। बिना शिक्षा का हम किसी काम भी नहीं कर सकते, किसी चीज नहीं कर सकते हैं। तो शिक्षा मीन्स जानना, लेकिन क्या जानना है, क्या सीखना है, किससे सीखना है, और किसके लिए सीखना है।
तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या सीखना है। तो सीखना हम लोग को, जैसे हम लोग सीख गए, सीखना का मतलब सीखे, जब भी हम किसी चीज को सीख जाते हैं, शिक्षा यदि हम सीखते हैं, शिक्षा से सीख जाते हैं, तो हम अपने अंदर बाहर जो भी है, वो बिहेवियर जो है हम लोग का परिवर्तन या परिमार्जन करता है, जिसको हम शिक्षा बोलते हैं। परिमार्जन करना या परिवर्तन करना, हम अपने व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करना ही शिक्षा होता, उसी को हम सीखना बोलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोग फीलिंग के माध्यम से, मीन्स अनुभव के माध्यम से, एक छोटा सा बच्चा जन्म लेने के बाद, उसको जन्म लिया तो वो पूरे ज्ञान के साथ, पूरे ज्ञान के साथ जन्म लिया, लेकिन उसको डेवलप, विकास कैसे होगा? तो जैसे बच्चा जन्म लिया मीन्स बर्थ हो गया उसका, तो उसको ना बर्फ का पता थे, ना आग का पता था, किसी चीज का नहीं अनुमान था, किसी चीज का अनुभव नहीं था। तो जैसे ही वो पता नहीं है, बर्फ जैसे ठंडा होता है, तो वो बच्चा नहीं जानता कि बर्फ ठंडा होता है, क्या होता है। तो वो जैसे बर्फ को छूता है, तो बच्चा अनुभव हो जाता है कि ये जो ठंडा लगता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये बर्फ है कि क्या है, चाय कैसी होती है उसको पता नहीं, ठंडा होती है कि मीठा होती है। तो धीरे धीरे बच्चा उस परिवारन में उस मीन्स उसके चारों ओर इस तरह का अनुभव होने लगता है। आग को टच किया, आग में हाथ डालता है बच्चा, छोटा सा बच्चा है, वो हाथ डालता है, देखता है कि आग जो है बहुत रेड कलर है, दिखने में लगता है अच्छा, इसीलिए वो हाथ डालता है। तो बच्चा जैसे ही हाथ डालता है, तो उसको जलन महसूस होता है, तभी बच्चा सीख जाता है कि नहीं एक बार दिया, दूसरे बार वो बच्चा कभी नहीं दे सकता है, क्योंकि उसको जो दिमाग में जो था, माइंड जो था, धीरे धीरे विकास होने लगता है कि नहीं, इसको छूने से मेरा मीन्स मीन्स लहरता है या मीन्स दर्द देता है, वो अनुभव कर लेता है, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये आग है, सिर्फ वो अनुभव कर लेता है। इसी प्रकार बच्चा यदि बच्चा है, तो धीरे धीरे वो सीखने लगता है, तो वो क्या करता है, वो व्यवहार में परिवर्तन। मान लो इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, उसमें स्विच है, यदि लंगे हाथ में यदि तार को टच करते हो तो करंट मारता है, जिससे हमको बिहेवियर क्या था, अभी छूने का जो बिहेवियर था, मीन्स मेरा व्यवहार क्या था, कि जब हम इलेक्ट्रिकल जो सर्किट था, वहां लंगा था, उसमें हम छुए छुए तो क्या, करंट मारा, तभी हम अनुभव कर लिए, मीन्स एक छोटा सा बालक है अनुभव कर लेता है, या हम लोग भी अनुभव कर लेते हैं कि यहाँ छूने से दर्द, मीन्स करंट मारेगा, झटका देगा, उस झटके के अनुसार हम लोग समझ जाते हैं कि वो खतरा पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग अनुभव से अनुभव नहीं बोलते हैं, छोटे बड़े आदमी बोलते नहीं कि हम घाटों घाट पानी पिए हो, घाटों घाट पानी पिए हैं, सभी जगह का पानी पिए घाटों घाट, इसका मतलब वो जो है सभी जगह का, जो है सभी स्थान का वो अनुभव कर लिया है कि इस प्रकार को उस जगह में ऐसे लगता है, उस जगह जाने में हमको ये लगेगा, है ना, वो अनुभव से वो समझ जाता है। तो सबसे पहले क्या सीखना है, तो हम लोग सीखते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन। और कहाँ से सीखते हैं ये, हम लोग कहाँ से सीखते हैं, किससे सीखना है, तो हम लोग विद्यालय से सीखते हैं, साथ ही पड़ोस से सीखते हैं, साथ ही समाज से सीखते हैं, समाज में रहना, बैठना, उठना, खाना, सारा कुछ समाज से सीखते हैं, पड़ोस में सीखते हैं, फिर विद्यालय से सीखते हैं। विद्यालय से कैसे सीखते हैं, जैसे शिक्षक हो गए, टीचर हो गए, बहुत सारे शिक्षक होते हैं, मैथ का शिक्षक, गणित का शिक्षक या इंग्लिश का शिक्षक, उन सबों से हम लोग सीखते हैं। उसके बाद अब क्यों सीखते हैं, मतलब किसके लिए सीखते हैं, तो वो हम लोग सीखते हैं कि हम लोग जो सीखते हैं, एक निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम लोग सीखते हैं। यदि आप लोग पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं,
इसलिए पढ़ रहे हैं तो आगे जाके हमको मास्टर बनना है, आगे जाके इंजीनियर बनना है, आगे जाके बहुत सारे इंजीनियर डॉक्टर कुछ भी बन सकते हैं, साइंटिस्ट, आगे जाके इस तरह से आप एक लक्ष्य लेके चलते हैं, जिससे हम लोग उद्देश्य और उद्देश्य के बिना किसी पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं। पढ़ाई करते हैं तो उद्देश्य रख के आगे जाके हम कुछ करना है। अच्छा, अब इंग्लिश में देखते हैं कि एजुकेशन, एजुकेशन जो हम बताए थे, एजुकेशन एक लैटिन भाषा था जो लैटिन भाषा से लिया गया है ना। और एजुकेशन एजुकेटम सॉरी एजुकेटम जो ई जो होता है, ई जो है अंदर से, ई का मतलब अंदर होता है, ई का मतलब अंदर होता है, डूको का मतलब बाहर निकालना है, मतलब बालक के जो भी उसके पास शिक्षा है, जो भी उसके जानकारी है, जो भी वो जानता है बालक, उस बालक के अंदर, डूको मतलब मीन्स अंदर, ई मतलब अंदर और डूको मतलब बाहर, उस बालक के जो अंदर में शिक्षा, अंदर में जो जनता, उस जानने वाले चीजों को बाहर निकालना, उस शिक्षा को बाहर निकालना। और बाहर कौन निकालता है तो शिक्षक निकालता है, टीचर निकालता है, और बाहर निकला ही एजुकेशन कहते हैं, एजुकेटम और एजुकेशन शिक्षा। और वो निकालने के बाद वो एडुकेयर है, और ये एडुकेयर बाहर निकला उसके बाद शिक्षक उसको नेतृत्व करता है। क्या नेतृत्व करता है कि आगे बढ़ने का, कि जैसे मान लो आप एक क्लास में थे तो एक क्लास में आप सीख गए, बहुत अच्छा सीखे, तो आपके अंदर जितने सारे सीखे हुए थे वो बाहर निकाला, देखा कि हाँ एक क्लास का लाइक है, अब ये टू का लाइक होने वाला है, तो आगे बढ़ाएगा, नेतृत्व करेगा टू क्लास में, फिर टू क्लास में आप जाइएगा, फिर वहां इस तरह से आपका टू का जितने सारे सिलेबस है उसका जानकारी, टू के लेवल में जितने सारे ज्ञान है उस ज्ञान को आप सीख लेते हैं, फिर आपका ज्ञान जो है डेवलप होने, विकास होने लगता है। इस प्रकार से हम लोग सीखते हैं। और एडुकेयर का बात करेंगे तो एडुकेयर भी क्या है, एडुसियर, एडुसियर मीन्स बाहर निकालना, यही चीज, फिर यहाँ से फिर बाहर जाते हैं, फिर टू में चले जाते हैं, फिर थ्री में चल जाते हैं, इस तरह से। अब यहाँ पे शिक्षा का जो मेन उद्देश्य क्या था, मतलब शिक्षा का जो निष्कर्ष क्या निकलता है, तो शिक्षा का जो निष्कर्ष निकलता है, क्या निकलता है, शिक्षा का जो निष्कर्ष निकलता है, वो निष्कर्ष जो निकलता है, आप पढ़ेंगे कि शिक्षा का जो निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष जो निकलता है, क्या निकलता है, अरे चल नहीं निकलता, निष्कर्ष, शिक्षा का जो निष्कर्ष क्या निष्कर्ष निकलता है, तो शिक्षा का निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षा क्या है, जो भी, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात या आंतरिक शक्तियों का अभिव्यक्तिकरण है। क्या है शिक्षा, शिक्षा जो है, शिक्षा मनुष्य का क्या है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात जन्मजात शिक्षा के जन्मजात या आंतरिक आंतरिक शक्ति क्या है, आंतरिक आंतरिक शक्तियों का आंतरिक शक्तियों का अभी क्या है, अभी व्यक्तिकरण है, अभी व्यक्तिकरण है,
इसका निष्कर्ष निकला कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात या आंतरिक शक्तियों का अभिव्यक्तिकरण है। अब यहाँ पे समझेंगे कि शिक्षा का जो उद्देश्य क्या है, आप समझेंगे कि शिक्षा का जो उद्देश्य क्या है, मतलब उद्देश्य, और उद्देश्य क्या है उस उद्देश्य को समझेंगे कि उद्देश्य जो है क्या है, उद्देश्य जो है इसका सर्वांगिक विकास, क्या है सर्व सर्वांगिक, क्या है सर्वांगिक सर्वांगीण सर्वांगीण विकास। अब सर्वांगीण विकास कैसे होगा, सर्वांगीण विकास कैसे होगा, तो सर्वांगीण विकास का तात्पर्य क्या है, तात्पर्य देखो हम शॉर्ट शॉर्ट लिख रहे हैं, हम लोग को सिर्फ खाली ये समझना है, ठीक है, उसके बाद इसको शॉर्ट शॉर्ट से ही रखना है कि क्या होता है। तो सर्वांगीण विकास का अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है कि मानसिक शक्ति, मानसिक जो हमारे जो मानसिक शक्ति, सामाजिक मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक और आध्यात्मिक आध्यात्मिक का विकास करना ही सर्वांगीण विकास है। क्या है, क्या है कि मानसिक हो गया, मानसिक हो गया, नैतिक हो गया, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक है ना, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक, सामाजिक, जितने सारे हैं, सामाजिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, सामाजिक आदि आदि का विकास करना, क्या करना विकास करना, आदि का विकास करना, समझ में आया इतना तक। अब हम लोग चलेंगे कि शिक्षा की परिभाषा, हम लोग क्या चलेंगे शिक्षा की परिभाषा, जो तीन चार परिभाषा लिखते हैं और समझते हैं कि शिक्षा की परिभाषा, उसके बाद जो है ना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, समाप्त होगा और इस मीन्स तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तुरंत ही जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आएंगे उसको भी एक क्लास ले लेंगे। तो चलिए आप पढ़ेंगे शिक्षा का क्या, शिक्षा की परिभाषा। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षा की परिभाषा क्या देख रहे हैं, शिक्षा के जो परिभाषा है तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने परिभाषा दिए कि शिक्षा ये है वो है। तो चलो हम लोग समझते हैं कि शिक्षा का परिभाषा किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक सब दिए हैं। डगलस नाम सुने होंगे, डगलस हॉलैंड नाम सुने होंगे, डगलस और हॉलैंड को कहना है कि शिक्षा उन सभी परिवर्तनों को व्यक्त करती है जो उसके जीवन काल में होते हैं। बोलते क्या है कि शिक्षा जो है उन सभी परिवर्तन, मतलब परिवर्तन जो करेगा, वो परिवर्तन जो व्यक्त करता है जो उनके जीवन काल, जो उसके लाइफ में आने वाले, जैसे बच्चा है, जैसे बच्चा शिक्षा सीखते सीखते अपना व्यवहार में परिवर्तन करना स्टार्ट कर देता है, जीवन यापन करना स्टार्ट करता है, बहुत अच्छे तरह से जीना स्टार्ट करता है, कब करेगा धीरे धीरे, शिक्षा जिस प्रकार आता है उस प्रकार व्यक्ति या बालक वो अपना परिवर्तन करने लगता है। राधा कृष्ण ने भी बताए कि क्या बताए कि शिक्षा जो है मनुष्य प्लस हम शॉर्ट में लिखे हैं, इसीलिए कि आप जो है सिर्फ इसको समझें और समझ कर याद रखें, सिर्फ
जब इस प्रकार आएगा तो यहाँ पे शिक्षा जो है मनुष्य और समाज का निर्माण करे। क्या बोला? राधा कृष्ण का कहना है कि शिक्षा जो है मनुष्य और समाज का निर्माण करे। मनुष्य के निर्माण कैसे करेगा? एक शिक्षा के माध्यम से। वो शिक्षा के माध्यम से वो व्यक्ति बड़ा होगा, व्यक्ति सीखेगा, सीखने के बाद वो जिधर उसका मन करेगा जाने का उस क्षेत्र में जाएगा और वो सफल होगा और उस क्षेत्र को बड़ा करेगा। तो इस प्रकार के शिक्षा जो है मनुष्य और समाज प्लस समाज का निर्माण करे। इस कार्य के बिना शिक्षा अनुवरण वह अपूर्ण है। यदि आपके पास शिक्षा नहीं है तो किसी भी कार्य करने के लिए शिक्षा का जरूरत होता। चाहे आप लेबर का काम करें लेकिन उसमें शिक्षा नहीं है तो आप बेहतर ढंग से नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाओगे। लेबर ही करना हो, किसी भी काम के बात करें, अगर आपके पास शिक्षा है, मतलब आपके पास जानकारी है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप कर लेंगे और कम समय में भी कर लेंगे और आप फेमस भी हो सकते हैं। हाँ, आप उस काम के लायक में है। तो यही है कि किसी भी कार्य करने के लिए हम लोग का शिक्षा जरूरी है। अरस्तु का कहना है, अरस्तु नेक्स्ट है, अरस्तु अरस्तु का कहना है कि शिक्षा के जो जड़ है वो कैसी है? कड़वी है और फल मीठा है। कहने का मतलब, अरस्तु का कहना है कि जब भी बालक बच्चे जैसे हम लोग जैसे थे, तो खुद आप लोग अनुभव किए होंगे, अनुभव कीजिए कि जिस समय आप बच्चे थे, बालक थे, उस समय आप स्कूल जाने से इनकार कर रहे थे, क्यों? और चुपके से भाग चले जाते थे और खेत में चले जाते थे, कहीं घूमने चले जाते थे, घूमने नहीं कहीं खेलने चले जाते थे। तो उस समय हम लोग पढ़ने में ध्यान नहीं देते थे, पढ़ाई में एक जरा सा ध्यान नहीं, खेलने में ज्यादा ध्यान। तो यही बोलता है कि जो जड़ जो है वो क्या है? कड़वी है। मतलब जड़ जो कड़वी है, यदि आप शिक्षा अच्छी तरह से पढ़ लिख लेते हैं तो आने वाले समय में वो फल बन जाता है। मतलब आप मास्टर बन सकते थे, इंजीनियर, डॉक्टर, बहुत सारे कुछ बन सकते थे, मैनेजमेंट मैनेजर बन सकते थे, बहुत सारे कुछ बन सकते थे, साइंटिस्ट भी बन सकते थे। अब पेस्टोलॉजी का कहना है, पेस्टोलॉजी मानो वैज्ञानिक जो है उसको कहना क्या है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का संतुलन और प्रगतिशील है। याद रखना कि संतुलन और प्रगति, संतुलन हम लोग जो है बचपन से, जब हम लोग जन्म हुआ, बर्थ हुआ, हम लोग जन्म हुआ, बालक, कोई भी बालक बच्चा जन्म होता है तो जन्मजात शक्तियों के साथ होता है, लेकिन वो उस समय नहीं होता। वो बालक धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे संतुलन में आने लगता है। बच्चा था, चलने के लिए बोला जाए तो चल नहीं पाता था, जैसे जैसे बालक बड़ा, थोड़ा सा बड़ा हुआ, 3 साल 4 साल हो गया, तो बालक संतुलन में आ गया। उसके बाद संतुलन जैसे आ गया तो प्रगतिशील होना स्टार्ट हो गया, मतलब वो आगे बढ़ना धीरे धीरे, ठेहुने के बल से, फिर पैर के बल से, फिर कितने बार गिरे, कितने बार उठे, इस तरह से बोलता है कि जन्मजात शक्तियों का संतुलन है और प्रगति है। गांधी जी को कहना है, एक नेक्स्ट जो है गांधी जी को कहना है क्या कि शिक्षा मनुष्य के शरीर, मनुष्य के मस्तिष्क, मनुष्य के आत्मा के अंश की अभिव्यक्ति करता। क्या करता? अभिव्यक्त करता, एक्सप्रेस करता। कि शिक्षा मनुष्य के शरीर को व्यक्त करता, मन मस्तिष्क को शेयर करता, आत्म व्यक्त करता और आत्मा के अंश जो है उसको व्यक्त करता है। किस प्रकार से? जैसे हम बात करेंगे कि मनुष्य शरीर, जब हम लोग शिक्षा, यदि आपके पास शिक्षा हुआ, शिक्षा आप ग्रहण कर लिए, सीख लिए कि शरीर को किस तरह से रख रखाव किया जाए, मस्तिष्क में किस प्रकार से जो शिक्षा गया, आत्मा का
एक अंश की व्याख्या करता है, कहता है क्या कि ये जो है हमारे शरीर और मस्तिष्क और आत्मा का जो एक अंश है, क्या है? शिक्षा है। वो क्या है? शिक्षा है। तो नेक्स्ट बात करेंगे अब, और थोड़ा सा एक दो ठोर दे लेते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ रॉबर्ट यूलिच को कहना है, देखो आपको सिर्फ याद रखना है कीवर्ड, क्या रखना है? कीवर्ड। हम लोग को पूरा डेफिनेशन नहीं जानना, इसका इसके अनुसार कही गई बातों को नहीं, उतना ये नहीं जानना। हम लोग सिर्फ कीवर्ड जानेंगे कि ये जो रॉबर्ट यूलिस क्या कहा, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, इस बात को हम लोग कीवर्ड से समझेंगे और याद रखेंगे। रॉबर्ट यूलिस को कहना था कि शिक्षा जो है क्या है? शिक्षा जो है व्यक्तियों को, और व्यक्तियों के द्वारा है ना, और व्यक्तियों के लिए की जाने वाली प्रक्रिया ही शिक्षा है। क्या कहना है? रॉबर्ट यूलिच को कहना है, रॉबर्ट यूलिच को कहना है कि व्यक्तियों को, व्यक्तियों के द्वारा और व्यक्तियों के लिए जाने वाली प्रक्रिया, क्या कहना है कि के लिए जाने वाली प्रक्रिया को हम लोग शिक्षा कहते हैं। याद रखना, व्यक्तियों को और व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तियों के लिए किए जाने वाली प्रक्रिया को हम लोग, मतलब ये कहना है कि रॉबर्ट यूलिच को कहना है कि शिक्षा कहते हैं। क्रो एंड क्रो को कहना था कि शिक्षा व्यक्तिकरण है, शिक्षा व्यक्तिकरण और समाजीकरण की वह प्रक्रिया है जो व्यक्तियों के व्यक्तिगत एवं समाज उपयोगिता को बढ़ावा देती है। हर सभी जो पॉइंट जो बोला गया है, सभी कोई व्यक्ति पर दिया गया, बालक पर ही दिया गया कि बालक शिक्षा ग्रहण करेगा और शिक्षा ग्रहण करके अपना व्यक्तिगत को मीन्स आगे बढ़ाएगा, अपने व्यक्तिगत में व्यवहार चेंज करेगा और साथ साथ में समाज भी चेंज हो जाएगा और समाज में भी उपयोगिता आएगा। शिक्षा रहेगा तो समाज भी सुधर जाएगा। इसको ये कहना है कि शिक्षा व्यक्तिकरण है और समाजीकरण है। समाजीकरण, समाज एकता बनाना, समाज एक करना और व्यक्तियों को भी एक करना, और वह प्रक्रिया जो व्यक्ति की व्यक्तिगत, हम व्यक्ति हैं, बालक व्यक्ति है, वो व्यक्ति या वो बालक जो है वो व्यक्तिगत अपने पर सुधार लाता है तो किससे लाएगा? तो शिक्षा के माध्यम से लाएगा। करो एंड करो को कहना था, आप चलेंगे कि शिक्षा, मतलब हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, आप समझेंगे कि मनोविज्ञान का जन्म कैसे होता है, मनोविज्ञान का जन्म कैसे हुआ वो आप समझेंगे। तो अब यहाँ पे समझेंगे कि मानव विज्ञान का जन्म क्या समझेंगे, कि मानव विज्ञान का जो जन्म किस प्रकार से होता है। तो मानव विज्ञान का जन्म बताता है अरस्तु। अरस्तु को कहना है कि मानव विज्ञान आरंभ में, जो मानव विज्ञान था, मानव विज्ञान आरंभ में दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में था। क्या था? दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में था, लेकिन धीरे धीरे इसने अपने आप को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया। अरस्तु ने धीरे धीरे दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया। और एबिंग हस को कहना है कि अतीत मानव विज्ञान लंबा है, कहता है कि अतीत मानव विज्ञान लंबा है लेकिन लेकिन इतिहास छोटा है, ये कहता है। तो अरस्तु जो है किस प्रकार से तो चेंज होता है, तो देखते हैं आप। साइकोलॉजी जो है क्या हुआ, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि मानव विज्ञान जन्म कैसे होता है, क्या होता है, कि किसके मीन्स दर्शन शास्त्र के अंग था, किसका मानव विज्ञान जो था किसके
मतलब किसके अंग के रूप में था? तो दर्शन शास्त्र के रूप में था, और वो धीरे धीरे किससे अलग हो गया, है ना? मानव विज्ञान किससे अलग हो गया? तो दर्शन शास्त्र से अलग हो गया। आप इसको पढ़ेंगे कि जब ये मीन्स साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग मीन्स इस शब्द का कौन ये यूज किया गया। तो साइकोलॉजी क्या है? साइको जो साइकोलॉजी शब्द है मीन्स मनोविज्ञान, मनोविज्ञान जो है इसमें जो ये शब्द है क्या है? ये शब्द इसको मीन्स जो शब्द है साइकोलॉजी या मनोविज्ञान का जो शब्द है, तो ये शब्द जो है सबसे पहले जो बात करेंगे, जैसे ये शब्द को यूज किया गया 1590 ईस्वी में। कितना में? 1590 ईस्वी में। और किसने ये ने किया, ये शब्द किसने यूज किया? तो ये 1590 ईस्वी में रिडॉप्स करके एक मानोविज्ञान थे। क्या थे? रिडॉप्स, रिडॉप आधा साफ है, रिडॉप्स, रिडॉप्स गोई मीन्स रिडॉप्स गोई कले, गोई गोई कले, गोई कले क्या है? गोई कले ने ने शब्द को यूज किया, शब्द को दिया, है ना? गोई कले ने शब्द को दिया। उसके बाद अब इसको विस्तृत ढंग से, विस्तृत तरीके से वर्णन और विस्तृत और प्रचलन कैसे हुआ, किसने किया, तो इसको विस्तृत के बात करेंगे। विस्तृत क्या? विस्तृत विस्तृत व्याख्या करने वाला कौन था? व्याख्या जो करने वाला, व्याख्या कौन था? व्याख्या जो करने वाला कौन व्यक्ति था? व्याख्या व्याख्या जो करने वाला या प्रचलन करने वाला, प्रचलन जो प्रचलन हुआ, वो प्रचलन या प्रचलन में लाने वाला या व्याख्या करने वाला कौन था? तो कौन था लाने वाला? कौन था? एम एफ लंचे। क्या था? एम एफ लंचे। एम एफ ने लंचे, एम एफ लंचे थे। कौन थे? प्रचलन करने वाला या व्याख्या करने वाला या विस्तृत व्याख्या करने वाला व्यक्ति कौन थे? एफ एम लंचे थे। और वो व्याख्या किया था एक बुक, वो उसने कौन बुक था? तो द बहुत क्या, कौन बुक था? भौतिक भौतिक वाद, भौतिक वाद का इतिहास, का इतिहास। इन्होंने जो इस बुक पर, इस बुक पर ने लंचे ने, एफ एम लंचे थे और लें एफ एफ लंचे ने इस बुक, इस किताब जो था, इस बुक पर उन्होंने इसी बुक में, इसी बुक में क्या किया, जो इसी बुक में प्रयोग किया गया काफी शब्द को, जो साइकोलॉजी शब्द को काफी प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान का जो जन्म हुआ, वो साइकोलॉजी जो शब्द था वो 1590 ईस्वी में रुडॉल्फ गोयकले ने शब्द दिया, और इस शब्द को विस्तृत व्याख्या या प्रचलन में लाने वाला, प्रचलन में लाने वाला व्यक्ति जो था, लाने वाला व्यक्ति जो था एफएम लंचे था। और उन्होंने अपने बुक पर जो भौतिकवाद का इतिहास जो बुक था, उसमें उस सारे वर्ड मीन्स वर्डों को यूज किया और व्याख्या मीन्स उसको प्रचलन में लाया। तो
दोस्तों इतना तक समझ में आप लोग का आ गया होगा, तो कोशिश करें आप लोग कि मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, न्यू व्यूअर है तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने फ्रेंड दोस्तों और साथ ही फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे कल। थैंक यू।